अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ हर्स्ट प्रंग डिजीज। पिछली जो हमने तमाम तर ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ी दोज आर एक्चुअली द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज ऑफ द इंटेस्टाइन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ एक्चुअली द फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन डैट इज़ हर्स्ट प्रंग डिजीज़, जो नियोनेट्स में कॉमन होते हैं। और नियोनेट्स वो नियोनेट्स जो मिकोनियम पास नहीं कर पाते उनमें ये इंडिकेटर होते हैं कि प्रोबेबली डे मे बी सफरिंग फ्रॉम द हर्स्ट प्रंग डिजीज़। अब नॉर्मली क्या होता है कि नियोनेट्स में के हेयर वी कैन सी के हे इज द असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, देन सिग्मॉइड कोलोन, देन रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो स्टूल जो है वो भी इसी तरह पास होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से में कि पहले वो असेंडिंग कोलोन में, फिर वो ट्रांसवर्स कोलोन में, फिर डिसेंडिंग कोलोन में, फिर सिग्मॉइड कोलोन में, फिर आके रेक्टम से वापस निकल जाता है। अब ये जो तमाम तक स्टूल का पास होने का प्रोसेस है उसको कौन फैसिलिटेट करता है? डेट एक्चुअली द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अगर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो नहीं रहेंगे देन ऑब्वियसली स्टूल आगे की तरफ पास नहीं हो सकेगा। और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे जो होती है डैट इज़ माइटाइट प्लेक्सिस एंड ओरल बेज प्लेक्सिस। और इन दोनों के लिए भी क्या जरूरत होती है? गैंग्लियोनिक सेल्स की। सो बेसिकली क्या रोल होता है गैंग्लियोनिक सेल्स का कि दे कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन हर्स्ट प्रंग डिजीज में न्यूरल क्रस्ट सेल्स की डिफेक्टिव माइग्रेशन होती है। और न्यूरल क्रस्ट सेल्स वी हैव रेड के वो डिफ्रेंशिएट होकर मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में मुख्तलिफ टिश्यूज़ बना देते हैं। फाइन, सो न्यूरल क्रस्ट सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट होकर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में सेटल हो जाए और वहाँ पे डिफरेंशिएट होकर गैंग्लियोनिक सेल्स बना दें इन द मायंटेरिक प्लेक्सस एंड ओरल बेज प्लेक्सस, सो दे कैन कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब अगर डिफेक्टिव माइग्रेशन होगी न्यूरल क्रस्ट सेल्स की तो ऑब्वियसली बात है कि फिर प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो सकेगी। प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो सकेगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, तो मिकोनियम पास नहीं हो सकेगा। और वो बेबी जो 15 आफ्टर बर्थ मिकोनियम पास नहीं कर पाते हैं उनमें ये इंडिकेटर होते हैं कि प्रोबेबली दे मे बी सफरिंग फ्रॉम द हर्स्ट प्रंग डिजीज। अब हर्स्ट प्रंग डिजीज जो है उसमें हम देखते हैं कि हेयर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ द हर्स्ट प्रंग डिजीज वेयर वी कैन सी द ट्रांजिशन जोन। अब हर्स्ट प्रंग डिजीज़ को हम कंजेनिटल मेगा कोलोन भी कहते हैं बिकॉज कोलोन जो है इसमें डायलेटेड होगा। होगा क्या कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स की डिफेक्टिव माइग्रेशन होगी जिसकी वजह से दे वुडेंट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट इंटू द गैंग्लियोन। और जब वो गैंग्लियोन में डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे तो वो एरिया जहाँ पे गैंग्लियोन मौजूद होंगे वो डायलेटेड अपेयर होगा, जबकि वो एरिया जहाँ पे गैंग्लियोन एब्सेंट होंगे वो एरिया नैरो अपेयर होगा। सो सेम अकर्स इन द केस ऑफ हर्स्ट प्रंग डिजीज़ विच इज़ एक्चुअली द कॉन्जेनिटल मेगा कोलोन। कॉन्जेनिटल एक ऐसी डिजीज़ होती है जो पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है ड्यू टू डिफेक्ट इन एम्ब्रियोनोलॉजिकल लाइफ। ठीक, सो हियर वी कैन सी के कोलोन जो है वो डायलेटेड अपेयर होगा, क्योंकि कोलोन डायलेटेड अपेयर होगा डैट वाइज इट इज़ नोन एज कॉन्जेंटल मेगा कोलोन के कोलोन जो है वो बड़ा है जबकि रेक्टम जो है वो नैरो अपेयर होगा। और रेक्टम पे वी कैन सी कि कोई गैंग्लियोनिक सेल्स मौजूद नहीं है, तो अगर गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है तो पेरिस्टाल्टिसिस नहीं हो सकेगी जिसकी वजह से मिकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है बेबी का वो पास नहीं हो सकेगा। एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी कैन सी द नॉर्मल पिक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन which shows the normal functioning, normal ganglionic cells and normal lumen of the large intestine which is capable of performing the normal function। और वो एरिया जहाँ पे हर्स्ट प्रंग डिजीज में डायलेटेड कोलोन से जा रहा होता है टूअर्स द नैरो रेक्टम डैट इज नोन एज ट्रांजिशन जोन। अगर बेबी मिकोनियम पास नहीं कर पा रहा है डैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ हर्स्ट प्रंग डिजीज। फाइन, और दूसरी चीज़ है डेट इज़ बिलियस वोमिटिंग। अब जैसा मैंने अभी यहाँ पे बोला कि इट इज़ द फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, विच मीन्स के फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन है तो कंटेंट आगे मूव नहीं कर सकता।
इंटेस्टाइन कंटेंट अगर आगे मूव नहीं कर सकता तो वो पीछे की तरफ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर स्टमक में, फिर ईसोफेगस से ओरल कैविटी के थ्रू बाहर वॉमिटिंग हो जाएगी। तो बीलियस वॉमिटिंग हो तो डैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट प्रंग डिजीज। ठीक, अगली जो चीज़ पिछले लेक्चर्स में ही पड़ी थी दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कि कॉन्स्टिपेशन क्या, कि अगर फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तो ऑब्वियसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो है नहीं, तो आके मेकोनियम या फीसिस से वो पास नहीं हो सकते, और अगर वो पास नहीं हो सकते दैट ऑब्वियसली दे वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और फिर अगली चीज़ नजर आएगी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये अभी हमने देखी पिछली स्लाइड में कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन किस तरह से हुई थी, कि वो एरिया जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट थे वो एरिया डायलेटेड अपेयर हुआ हो रहा था, और अगर वो एरिया डायलेटेड होगा दैट ऑब्वियसली इट वुड रिजल्ट इन द डायलेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इट वुड रिजल्ट इन द डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमिन आउटवर्ड्स। ठीक, बाकी जो है ग्रोथ फेलियर होगा, द पर्सन बेबी हु इज सफरिंग फ्रॉम द हर्स्टब्रंग डिजीज वुड नॉट बी एबल टू डिवेलप प्रॉपरली, उसकी ग्रोथ में भी रुकावट आएगी। हियर इज द, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हर्स्टब्रंग डिजीज़ होती क्यों है, हर्स्टब्रंग डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। अब हमने हर्स्टब्रंग डिजीज़ को डायग्नोज किस तरह से करना है। डायग्नोसिस के लिए पहली बात तो ये कि हम एब्डोमिन का एक्सरे करेंगे। ठीक है, एब्डोमिन का एक्सरे करेंगे तो हेयर वी कैन सी इन द एक्सरे ऑफ द एब्डोमिन द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द कोलोन फॉलोड बाय द नैरो रेक्टम। ठीक, तो यहाँ से एक इंडिकेटर मिल सकता है कि प्रोबेबली द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हर्स्टब्रंग डिजीज़। और इसके बाद अगला स्टेप जो है डैट इज़ रेक्टल बायोप्सी, कि हम रेक्टम का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और उसको भेजेंगे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जब उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी वी वुड कम टू नो कि इस डायलेटेड पार्ट में गैंग्लियन मौजूद नहीं है, और अगर गैंग्लियन मौजूद नहीं है डैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द हर्स्टब्रंग डिजीज। अब हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमें पिक्चर मिलेगी वो कुछ यूँ है, मेरे लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है डैट इज़ नॉर्मल, वी कैन सी के नॉर्मल म्यूकोज़ा मौजूद है, नॉर्मल सब म्यूकोज़ा मौजूद है, और नॉर्मल सब म्यूकोज़ा जो है उसके अंदर हमें नॉर्मल मायंटेरिक और ओरल बैच प्लेक्सिस मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे न्यूरोनल सेल्स बॉडीज मौजूद हैं, और अगर न्यूरोनल सेल्स बॉडी मौजूद हैं देन दे कैन परफॉर्म देयर नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक फंक्शन। और मेरी जो राइट साइड पे पिक्चर है डैट इज़ द हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हर्स्टब्रंग डिजीज, हेयर वी कैन सी के सब म्यूकोजा में जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं डैट आर एबसेंट, और अगर गैंग्लियोनिक सेल्स एबसेंट हैं डैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ द हर्स्टब्रंग डिजीज। यहाँ तक हमें पता चल गया कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम द हर्स्टब्रंग डिजीज़। ट्रीटमेंट अब किस तरह से करनी है, हर्स्टब्रंग डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है डैट इज़ पुल थ्रू प्रोसीजर। पुल थ्रू मतलब कि खींचना। हियर वी कैन सी कि यहाँ पे हमें सारा जो मिल रहा है डैट इज़ डायलेटेड कोलोन, और इससे आगे यहाँ पे जो है ये है रेक्टम, और इससे आगे यहाँ पे है एनस। ठीक, तो होता क्या है कि इन द केस ऑफ हर्स्टब्रंग डिजीज़ जो वो पोर्शन जहाँ पे सॉरी ये सारा का सारा जो है ये कोलोन है, और इससे आगे जो है रेक्टम है, और कोलोन और रेक्टम के दरमियान दे इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। ठीक है, तो पुल थ्रू प्रोसीजर में बेसिकली होता ये है कि वो पोर्शन जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होते हैं ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जहाँ पे हमें गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं मिले उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू काट के बाहर निकाल देंगे, और ऊपर वाले हिस्से को खींच के नीचे वाले हिस्से की तरफ ले आएंगे। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा बच गया, बाकी जो है कोलोन का वो डायलेटेड पार्ट जो हमें मिला था जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स मौजूद नहीं थे उनको काट के हमने निकाल दिया, बाकी जो कोलोन का पार्ट जो ठीक था उसको हम खींच के ले आएंगे टूवर्ड्स आर रेक्टम। ठीक है, उसको रेक्टम के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि जो कंटिन्यूटी है लार्ज इंटेस्टाइन की वो रिस्टोर की जा सके। सो अप टिल नाउ वी कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ हर्स्टब्रंग डिजीज़। वी